Good morning students from St. Javier Central Academy Koharasaran. This is for class 2 subject SST. Today we will study the 4th chapter of SST, our clothes. Protection. Clothing that provides physical safeguards to the body, preventing harm from climate and environment. Identification. Establishing who someone is or what they do. Modesty. Covering the body according to the code of decency established by society. Clothes are one of the basic needs of human beings. Clothes protect us from heat and cold and rain. Clothes make us look smart. We should wear clothes according to season. कपड़े इंसानों की बुनियाद जरूरत में से एक है। कपड़े हमें गर्मी, ठंडी और बारिश से बचाते हैं। कपड़े हमें स्मार्ट लगते हैं। हमें मौसम के हिसाब से कपड़ा पहननी चाहिए। We wear cotton clothes in summer. Cotton clothes are made of cotton thread. Cotton clothes soaks sweat and keep our body cool. हमें गर्मियों में सूती कपड़ा पहनते हैं। सूती कपड़े सूती धागे से बने होते हैं। सूती कपड़े पसीना को सुखा लेते हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखता है। We wear woolen clothes in winter. We get wool from the hair of sheep, goat and camels. Woolen cloth gives warmth to our body. Sweater, coat, cap are made of wool. हम सर्दियों में उन्हीं कपड़े पहनते हैं। हम sheep, goat और camel की बालों में से इन्हें प्राप्त करते हैं। जब कपड़ा हमारे शरीर को गर्मी हट देती है, स्वेटर, कोट, कैप आदि ऊल से बना होते हैं। शिप क्लोथ्स आर आल्सो मेड ऑफ सिल्क। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स आर टर्न ऑन द मलबरी ट्रीज। कपड़े की केयर सिल्क से बने होते हैं। हमें रेशमी की कीड़ा से रेशम मिलता है। रेशमी की कीड़ा को सहतूत की पेड़ पर रखा जाता है। We also wear clothes made of rubber and plastic. These clothes protect us from rain. Rainy clothes are called raincoat. हम रबर और प्लास्टिक से बने कपड़े भी पहनते हैं। ये कपड़े हमें बारिश से बचाते हैं। बरसात के कपड़ों को रेनकोट कहा जाता है। रेनकोट एंड अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। द क्लोथ्स दैट आर मेड बाय मैन मेड थ्रेड्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, रियन आर कॉल्ड आर्टिफिशियली क्लोथ्स। रेनकोट और छाता हमें बारिश से बचाते हैं। मनुष्य द्वारा बचाए गए कपड़ों को नायलॉन, पॉलिस्टर, रियन आदि जैसे धागे से बनाए जाते हैं। इसे कृत्रिम कपड़ा कहा जाता है। क्लोथ्स गेट रेडी इन इंडस्ट्री। देयर दीस क्लोथ्स आर वेव्ड, पेंटेड एंड डाई। पीपल बाय क्लोथ्स फ्रॉम मार्केट एंड स्टिच देम फ्रॉम टेलर्स। Some clothes are sold after stitching in the market. These clothes are called ready-made garments. उद्योग में कपड़े तैयार हो जाते हैं। वहां इन कपड़ों को बुना, मुद्रित और डाई किया जाता है। लोग बाजार से कपड़ा खरीदते हैं और उन्हें सिलाई से सिलाई करते हैं। कुछ कपड़े बाजारों में सिलाई के बाद भेज जाते हैं। इन्हें कपड़ों को रेडीमेड वस्त्र कहा जाता है।
मेन वेयर धोती कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट वे लेडीज वेयर साड़ी सलवार कुर्ता वेरियस टाइप ऑफ ड्रेसेस आर वोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डॉक्टर लॉयर कांस्टेबल सोल्डर एंड एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशली ड्रेसेस विच आर कॉल्ड यूनिफॉर्म पुरुष धोती कुर्ता पायजामा पैंट शर्ट आदि पहनते हैं जबकि महिलाएं साड़ी सलवार कुर्ता आदि पहनती है। हमारे देश की विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने जाती हैं। डॉक्टर वकील कांस्टेबल सैनिक और अंतरिक्ष यात्री विदेशी कपड़ा पहनते हैं इन्हें वर्दी कहा जाता है। केयर ऑफ क्लॉथ्स वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ्स क्लीन क्लॉथ्स की पास हेल्दी वी शुड वॉश आवर क्लॉथ्स प्रॉपरली व्हेन दिस गेट डर्टी वी शुड आयरन आवर क्लॉथ्स इफ यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स दिस विल लास्ट लॉन्गर वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स इन ए क्लीन प्लेस वी शुड स्टोर क्लॉथ्स प्रॉपरली व्हेन दिस आर नॉट इन यूज कपड़े की देखभाल हमें हमेशा साफ कपड़ा पहननी चाहिए साफ कपड़े हमें स्वस्थ रखते हैं जब हम गंदे हो जाए तो हमें अपने कपड़ों को अच्छी तरह से धोना चाहिए हमें अपने कपड़ों को आयरन करना चाहिए अगर हम अपने कपड़ों की उचित देखभाल करते हैं तो वो बिल्कुल ईस्ट लंबे समय तक ठीक रहेंगे हम अपने कपड़े साफ जगह पर रखना चाहिए जब वो उपयोग में ना हो तो हम कपड़े ठीक से स्टोर करने चाहिए थैंक यू।